विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह विरदे सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कथा स्थल का जायजा लिया। सीहोर के बाद अब देपालपुर के 24 अवतार मंदिर परिसर में 9 मार्च से 15 मार्च तक विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला अभी से अलर्ट पर है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। उसी के चलते ग्रामीण एसपी भगवंत सिंह विरदे सहित पुलिस अधिकारी व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने कथा स्थल सहित पार्किंग स्थल एवं नगर के विभिन्न आवागमन वाले मार्गों का जायजा लिया। मंदिर ट्रस्ट सचिव चिंटू वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन भव्य और दिव्य होना है, जिसको लेकर लगातार मंदिर ट्रस्ट सहित अधिकारी कार्य में जुटे हैं। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फोन लगातार आते रहे हैं कि कितने लोग आएंगे यहाँ देपालपुर में, सूचना दे दीजिए। हमने तो इतना ही कहा है, देपालपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है तुम्हारी भंडारी, बस इतना कहूंगा। तैयारी करो, वो कुबेर भंडारी आएगा, पहुंचेगा, डमरूधारी आएगा। कथा की व्यवस्था जोरों पर चल रही है। 24 अवतार मंदिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है और उतनी ही मुस्तैदी के साथ यहाँ पर प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं में लगा है। मंदिर समिति प्रशासन के साथ देपालपुर की जनता भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। पूरी कथा में लगभग 3 लाख श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आएंगे, तो मंदिर परिसर के अंदर समुचित 3 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की, उनके कथा सुनने की समुचित व्यवस्था है और इनके वाहन पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन ने की है। पहली बात तो हम आग्रह कर रहे हैं श्रद्धालुओं से कि यहाँ पे रात्रि विश्राम आप ना करें, फिर भी जो श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनेंगे उस दौरान समुचित पानी की व्यवस्था, उनके सुलभ शौचालय की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम मंदिर के द्वारा किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संस्थाओं के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। डॉक्टर की टीम यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, एम्बुलेंसेस रहेगी, मेडिसिन रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था मंदिर परिसर में रहेगी। आपका नाम? चिंटू वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।